आज है 8/4/89 का प्रातः क्लास। 11 नंबर के रजिस्टर में 18 पेज। बने बनाए शक्ति चक्र के अनुसार कल्प पहले मासिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया। किसको मिल गया और किसका परिचय मिल गया? बच्चों को अपना परिचय मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के षष्ठी के आदि मर्जंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ कोई कैप्टन कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि के ऊपर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से अपनी प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वो प्राइज उनको नहीं मिल सकती। उनको तो हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए इस बात की गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल नहीं खाता। ये भी जानते हो ना मन न चित्त था हम ऐसे स्थान पर आकर के बैठ गए जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। किस बात का यादगार? तपस्या का यादगार खड़ा हुआ है। जहां 5,000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी तपस्या करके। असली सर्विस कौन सी है जिसकी यादगार बनी हैं? दिलवाड़ा मंदिर वो सर्विस है। हाँ तपस्या की यादगार। तो असली सेवा कौन सी हुई जिसका यादगार बन गया है? असली सेवा है मनसा सेवा। और जो मनसा सेवा है उस मनसा सेवा से ही सारे विश्व में आवाज फैलेगी। जिसका यादगार बन गया तपस्या भूमि दिलवाड़ा मंदिर अचल घर गुरु शिखर ये सब यादगार हैं। तुम्हारे अचल रहने की यादगार अचल घर। और ऊंचे से ऊंची चोटी की स्टेज में रहने की यादगार गुरु शिखर। सतगुरु भी ऊंचे से ऊंचे तुमको मिला हुआ है जिसका यादगार बनाया हुआ है। क्या यादगार बनाया हुआ है?
उस सदगुरु को यादगार क्या बनाया हुआ है? गुरु शिखर। अचलगढ़ का भी राज तुमको समझाया, तुम समझ गए हो। वो हुई घर की महिमा। कौन से घर की महिमा? जो घर कैसा है? अचल। ऊंचे से ऊंचे पद तुम पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। जरूर चैतन्य में कर्म किया है तो ये यादगार बना है। वहां ही तुम चैतन्य में आकर के बैठे हो जहां यादगार है जड़। तो ये सब है रूहानी कारोबार जो कल पहले भी चली थी। इनका पूरा यादगार यहाँ है और नंबर वन यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइस कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे से कोई भेद नहीं कर सकता। जिस पर बैठा जाता है जिस पर आत्मा बैठती है वो फर्नीचर हुआ। पैरवाइज कह दो। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो तो रौनक वाला होना चाहिए ना। क्या तुम्हारे से कोई भेंट नहीं कर सकता। ये भी स्कूल है। पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान वाच भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो पूजा करते हो कुछ भी पता नहीं पड़ता। और यहाँ यहाँ जिसको याद करते हैं पूजा की तो यहाँ बात ही नहीं। कुछ भी पता नहीं पड़ता है भक्ति मार्ग में। बाप ही सन्मुख आकर के सब राज समझाते हैं। क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। कब होगी पिछाड़ी? जब रिजल्ट निकली थी। यादगार कब के बने हुए हैं? संगम युग तो बहुत लंबा चौड़ा है। संगम युग में भी जब ब्राह्मणों की पढ़ाई की रिजल्ट निकली थी उस समय की यादगार। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है। क्या यादगार है रक्षाबंधन का? काहे से रखा की है? बंधन से। काहे के बंधन से है? विकारों ने जो बंधन बांध रखा है उस बंधन से रक्षा की। किसने रक्षा की है? बाँ तो ब्राह्मण राखी बांधता है भक्ति मार्ग में, या फिर बहनें बांधती हैं राखी।
भाइयों को, वो तो अब बांधने लगे। पहले ब्राह्मण बांधते थे, तो ये यादगार कहाँ की है? जब पूरा पक्के होकर के राखी बांधते हो तो तुम अपना राजभाग ले लेते हो। अभी राजभाग क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बंधन में तो बंधते हैं, विकारों से बचने के लिए, रक्षा सूत्र के बंधन में बंधते तो हैं, लेकिन पक्के होकर के नहीं बंधते। पक्के होकर के बंधायमान नहीं होते। बांधने वाला कौन है? हैं? बांधने वाला कौन है? ब्राह्मण होते थे ना, तो बांधने वाला तो बाप है, जो ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मण बनता है। क्योंकि पहला ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा पहला ब्राह्मण थोड़े ही है, प्रजापिता है पहला ब्राह्मण। तो आगे ब्राह्मण राखी बांधते, अभी राखी कौन बांधते हैं? अभी राखी बहने बांधने लगी है खर्ची लेने के लिए। यहाँ कौन सी खर्ची है? हैं? यहाँ खर्ची कौन सी है? ज्ञान रत्न है, ज्ञान रत्नों की खर्ची है। तो जितना इतना पवित्रता के बंधन में बंधते हैं, उतनी उतनी खर्ची मिलती जाती है। अगर पवित्रता का बंधन तोड़ा तो खर्ची मिलना अपने आप बंद, बुद्धि मुड़ जाती है। तो अभी फिर यादगार मनाते हैं भक्ति मार्ग में, संगम युग की बातों का अभी यादगार मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया हुआ है। क्या कहा? सभी कौन कौन से मंत्र समझाए दिए है? भक्ति मार्ग में तो ढेर मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय, राम रामाय नमः, षडाक्षर मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र है, गायत्री मंत्र। बाबा कहते सभी मंत्रों का अर्थ समझाई दिया है। सभी मंत्रों का अर्थ कौन सा समझाई दिया है? हाँ, उसमें सभी मंत्र आ जाते हैं। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है, ओम का अर्थ है हम आत्मा, मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने शरीर को समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है और अब ज्ञान मार्ग दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाता है या ऊंचा उठता जाता है? ऊंचा उठता जाता है। कब से है? बाप कब से आया? 76 से आया, उससे पहले नहीं आया। माया, माँ के रूप में आया। बाप का रूप गुप्त था। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है तो अब तो ऊंचे उठ गए होंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग के हो गए। ऊंची स्टेज होती जाती है। हाँ, जैसे पहाड़ चढ़ते हैं तो जब ज्यादा तूफान आते हैं तो कभी कभी ना कभी कभी शेल्टर लेना पड़ता है।
तूफान से बचने के लिए नीचे कभी उतरना भी पड़ता है तो वो उतरे किस लिए? तूफान में आई बचने के लिए, ताकि कहीं नीचे न चले जाए, बचने के लिए। बाकी उसको कोई हारने वाला नहीं कहा जाएगा। किसको? जो चढ़ रहा है। हाँ, जो चढ़ रहा है वो तो सिर्फ इसलिए नीचे उतरा है कि अभी हम फिर ऊपर चढ़ेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, तो भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमोपधान बनता जाता है और तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो तुम क्या बनते जाते हो? भक्ति मार्ग तो तमोप्रधान बनता जाता है। तमोप्रधान माना व्यभिचारी भक्ति बढ़ती जाती है और तुम अब व्यभिचारी ज्ञान मार्ग की स्टेज को पकड़ते जाते, यानी सात्विकता की ओर बढ़ रहे। तो हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती जाती है। तो जब हर चीज सतो रजो तमो होती जाती है तो ज्ञान भी, ज्ञान का भी क्या हाल होगा? ज्ञान भी पहले सतो प्रधान स्टेज में पकड़ते हैं, क्योंकि जब आत्मा की सारी कट उतरती है तो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरी आत्माओं के संग के रंग में आने से अवस्था नीचे उतरती जाती है। तो ज्ञान भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता जाता है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। भक्ति भी क्यों लगाया? ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है। जो सतो प्रधान चीज होगी वो शॉर्ट कट होगी, शॉर्ट में। जैसे वृक्ष पहले क्या होता है? बीज होता है, बीज में सार समाया हुआ होता है और विस्तार बाद में होता है। तो जितना जितना झाड़ का विस्तार होता जाता है उसमें से सार निकलता जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान का हिसाब है, ज्ञान भी जितना जितना विस्तार को होता जाता उतना उतना उसमें से सार निकलता जाता। पहले चार चित्रों की कोर्स की कैसेट भरते थे तो आधा घंटे की भरती थी, फिर एक घंटे की भरना शुरू हुई, फिर डेढ़ घंटे की भरना शुरू हुई, अब दो घंटे की हो गई। ऐसा क्यों होता जाता है? अब शॉर्ट में नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो नई नई आत्माएं आती हैं वो बुद्धिवादी आत्माएं आती चली जाती, तामसी स्टेज की ओर जाने वाली आत्माएं आती जाती हैं, जिनकी बुद्धि विस्तार को पाई हुई है। तो लास्ट में आने वाली आत्माएं बुद्धिवादी ज्यादा हैं और भावनावादी कम है। दिल वाला बाप के बच्चे थोड़े हैं और दिमागी रावण के बच्चे ज्यादा हैं, तो वो वाइब्रेशन भी वैसे ही फैलाते हैं। तो जब जैसे वाइब्रेशन होते हैं वैसा उसका क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। तो ज्ञान का भी क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, ज्ञान भी सतो रजो तमो होता चला जाता है, क्योंकि वो थोड़े में समझने वाले नहीं है। सतो प्रधान स्टेज का थोड़ा सा ज्ञान उनको दे दो तो ढेर प्रश्न पैदा हो जाएंगे, प्रश्नों की पूंछ लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, इसका मतलब ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे तब भक्ति भी सतो प्रधान थी।
ऐसे ज्ञान भी जिस समय पहली पहली स्टेज होती है, पहले पहले जब बाप को पहचानते हैं या समर्पण होते हैं तो सतो प्रधान स्टेज होती है, एक बाप दूसरा न कोई, फिर धीरे धीरे औरों का संग का रंग लगता जाता है और अवस्था नीचे आती जाती। तो फिर भी बहुत थोड़े, जब सतो प्रधान स्टेज थी तो थोड़े थे, और जब तामसी स्टेज बन जाती है तो हमारी दुनिया भी बड़ी हो जाती है, परिवार बढ़ जाता है, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है, ये विदेशियों की बात बताई। जितनी ज्यादा है पैदाइश करेंगे तो ज्यादा पैदाइश होगी, वो पावरफुल होगी, या थोड़े बच्चे पैदा होंगे वो पावरफुल होंगे। एक शेर जैसा बच्चा अच्छा, ढेरों गीदड़ जैसे पैदा हो जाए उनसे क्या फायदा, एक शेर तो सबको पड़ोड़ लेगा। तो सार की बात को नहीं समझते, जो विदेशी आत्माएं हैं वो विस्तार में जाना ही पसंद करती, क्योंकि बुद्धि का बहुत विस्तार होता जाता है। तो संदेश दे करके ढेरों आत्माएं निकालती, और जो सार स्वरूप आत्माएं होंगी वो क्या करेंगी, वो सार को ही ग्रहण करेंगी, पावरफुल आत्माओं को निकालेंगी, व्यक्तिगत सर्विस करना उनको ज्यादा पसंद होगा। एक एक विलायत में जाति बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है, बात कहां की है, ये भी फाउंडेशन कहां से पड़ता है, ये भी यही फाउंडेशन पड़ता है। ढेर की ढेर पार्टी बना करके ले आएंगे तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, क्या ये कामना ही महान शत्रु है, शक्ति की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बन जाओ। क्योंकि जितने जाति को समझाएंगे, जाति लोगों को संबंध और संपर्क में लाएंगे तो रिजल्ट क्या होगी, बुद्धि बिखरेगी, दृष्टि बिखरेगी, वाचा की शक्ति बिखरेगी, बहुतों को समझाना पड़ेगा तो ताकत बैटरी की ज्यादा खर्च होगी। तो भर पाया थोड़ा और खर्च किया ज्यादा, करना क्या चाहिए है? हाँ, भरे ज्यादा और खर्च करें थोड़ा, तो वो तो तभी हो सकता है कि एक पावरफुल एक ऐसी आत्मा निकालें कि जिससे हमारा भी विचार ज्यादा न बढ़े, क्योंकि एक से कनेक्शन जो होगा और अनेक से जो कनेक्शन होगा, अनेक बच्चे संभालने पड़े और एक बच्चा संभालना पड़े, अंतर क्या पड़ेगा। ढेर बच्चों की परवरिश में तो बहुत शक्ति क्षीण होगी और बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे, और एक बच्चे की परवरिश में बहुत आराम रहेगा। शिव बाबा भी देखो आता है तो विश्व की बादशाही देने के लिए कितने बच्चे पैदा करता है, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा देवताओं बड़ा शंकर,
तो विश्व की बात है किसको मिलेगी है? एक कोई मिलेगी। तो जितना भी बाबा बोलता है वो किस बच्चे से बोलता है? उस एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करके बोलता है, क्योंकि वो ही समझने वाला है। तो सारी ताकत बाबा ने अपनी सारी वाणी की किसके ऊपर लगा दी? भले बच्चा वो सामने नहीं है, फिर भी बुद्धियोग बाबा का किसके सामने रहता है? उसी बच्चे के सामने। कोई भी मुरली उठा के देखो, तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, पवित्र बनो तुम बच्चे। सृष्टि के आदि मध्यंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो, को ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नहीं जाना है। किसके द्वारा जाना है? बाप द्वारा जाना है। सत्युग में भक्ति का नाम निशान नहीं। क्यों? और कलयुग में जहां देखो वहां भक्ति ही भक्ति। तो सत्युग आदि में ज्ञान ही ज्ञान, और कलयुग के अंत में भक्ति ही भक्ति। अभी तो देखो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते रहते हैं। तब सत्युग में कि त्रेता में कि द्वापर में, इन तीन युगों में मेले मलाखड़े नहीं लगते हैं। जब ज्यादा तमोप्रधानता होती है तब घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। परमात्मा से मिलना अच्छा नहीं लगता है? जितना ज्यादा घूमे फिरेंगे दुनिया की हवा लगेगी, दुनिया की आत्माओं से मिलन मेला ज्यादा मनाया जाएगा। तो तामस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कि अनेकों से संबंध संपर्क बढ़ेगा तो बैटरी की पावर क्षीण होगी। तो अभी देखो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते रहते हैं। मेले, मेलों की क्या विशेषता बताई? मेलों में मेला इकट्ठा होता है। एक बाप का मिलन मेला, वो तो सत्व प्रधान बनाने वाला है, चाहे भी किसी भी रूप में हो, उससे तो सात्विक ही बनेंगे। लेकिन और जो आत्माओं के मेले हैं, नदियों के मेले या पोखरों के मेले या सागर जाकर के अनेक नदियां मिलती हैं, लेकिन वहां इंटेंशन किसका रहता है? एम ऑब्जेक्ट तो सागर के साथ मिलने का रहता है, तो वो बात तो अलग है। तो मेले मलाखड़े बहुत लगते रहते हैं, जो मनुष्य जाकर के दिल बहलाया है। किन के साथ है? सागर के साथ। हाँ, अनेक प्रकार की जो नदियां हैं, कचरा इकट्ठा करके लाती हैं, गंदा जल हो जाता है, दिल बहलाया। तुम्हारी दिल तो बाप आकर के बहलाते हैं। इसकी सदी के लिए जो तुम सदैव बहलते रहते हो, तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आवेगा। किनको है? तुमको। कहां भी मनुष्य जाते हैं तो सुख के लिए जाते हैं। मेले मलाखड़े में भी क्यों जाते हैं? सुख ढूंढते हैं। तुमको कहां पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं है, कोई तीर्थों आदि पर भटकने की दरकार नहीं है। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है, कोई अधूरा ज्ञान ज्ञान नहीं मिला है जो तुम इधर उधर भटकते फिरो। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है। क्या कहा?
कहते हैं क्या? तुमको मेरे साथ रहना है या तुमको अपना घर बार संभालना है? बाप के साथ रहना है, घर बार नहीं संभालना है, सन्यासी बनना है। बाप ये सिखाते हैं, बुद्धि से बाप के साथ रहना है, बाकी घर बार घरग्रस्त भी संभालना है। घरग्रस्त को छोड़ना माना सन्यासी बनना। बाप सन्यासी बनना कोई नहीं सिखाते। तो बाप नहीं कहते हैं कि तुमको मेरे साथ रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिचखिची होती है। बाप से जुदा बच्चे कब होते हैं? ऐसे नहीं कि अपने घर बार संभाल रहे हैं, बाप को याद कर रहे हैं तो जुदा हो गए। नहीं, घर बार संभालने से ये तो बाप की श्रीमत हुई, फिर तुम अपने घर गृहस्थ में रहो और मेरे को याद करो। एक बार देख लिया बस याद करो, भले विलायत में चले जाओ। तो बच्चे जुदा कब होते हैं, जुदाई का अनुभव कब करते हैं? हाँ, तब होते हैं जब कोई खिचखिची होती है। फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो, बुद्धि में खिटखिट तो चलती है ना, माया की। तो भले खिटखिट चलती है लेकिन फिर भी तुम कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी है, सब इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। किसके पास? बाप के पास। ब्रह्मा के लिए तो दिखाते हैं हजार भुजाएं, सहस्त्र भुजी ब्रह्मा, लेकिन बाप के लिए त्रिमूर्ति में जो बाप का रूप है उसके लिए ये नहीं दिखाते कि हजार भुजाएं। ऐसा भी नहीं है कि जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं वो कोई बाप के बच्चे नहीं बनते हैं। बच्चे तो बनते हैं लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सहयोगी बनते हैं, लगातार सहयोगी बने रहें, भुजाएं सक्रिय बनी रहें और साथी बने रहें, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्मा तो मीठा रूप है, शीतल रूप है। बच्चे डिसऑर्डर करते हैं तो भी साथ बने रहते हैं, लेकिन बाप का रूप ऐसा नहीं है। तो सब इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। किसके पास? बाप के पास। बाप रखबोल न करिए। बाबा बाप कभी कहता है कि तुम बच्चे मेरी गोद से बाहर चले जाओ? बाप बाणी तो यही कहती है, तुम अपने घर गृहस्थ में रह कर के बाप के साथ रहो। इकट्ठा नहीं रहना। अरे तो देह से रहना है इकट्ठा क्या? मान लो देह से इकट्ठे रहे और बुद्धि तुम्हारी बाहर भागती रही तो बड़ा अच्छा होगा क्या? तो अच्छी बात होगी नहीं? फिर रिजल्ट क्या होगा? तो सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। ये राजधानी बन रही है, राजधानी में तो क्या विशेषता होती है? सब तरह की चाहिए, महाराजा भी चाहिए, राजा भी चाहिए, रानियां भी चाहिए, प्रिंस प्रिंसेस भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, फर्स्ट क्लास साहूकार भी चाहिए, सेकंड क्लास साहूकार भी चाहिए, थर्ड क्लास प्रजा भी। तो जो जितना जितना बाप को याद करते हैं वैसा राजधानी में पद पाते हैं। मुख्य बात है बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठे ड्रिल सिखलाते हैं। ड्रिल काय की? हाथ पांव की। हाथ पांव की ड्रिल बाप नहीं सिखलाते हैं, यह है याद की यात्रा।
बच्चों को तो कहते हैं कि याद की यात्रा कोई सिखलाई जाती है क्या? फिर बाप अपने लिए क्यों कहते हैं कि स्वयं बैठे ड्रिल सिखलाते हैं? है? अरे माँ बच्चे को याद करती है तो माँ ने कोई ट्रेनिंग ली है कहीं बैठ करके स्कूल में कि बच्चे को याद करे? याद तो स्वतः आती है, लेकिन बाप यहाँ ऐसा क्यों कहा कि बाप स्वयं बैठे ड्रिल सिखलाते हैं? बाप स्वयं बैठे ड्रिल क्यों सिखलाते जब ये याद की यात्रा की ड्रिल सिखलाने की जरूरत ही नहीं है? हाँ, बाप जब तक स्वयं बैठे परिचय न दे तब तक बच्चों को बाप का परिचय मिल नहीं सकता। ये बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई पूरा परिचय कोई नहीं दे सकता। तो बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं, ये है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, इनको नहीं देखना है, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं उसको नहीं देखना है। फिर किसको देखना है? जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, क्या नहीं दिखाई पड़ता है? न तो परमात्मा बाप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, न आत्मा इन आंखों से दिखाई पड़ती है। कौन सी आत्मा? कोई भी आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, और न आने वाली नई दुनिया इन आंखों से दिखाई पड़ती है। वो तीसरे नेत्र से ही इन तीनों को देखा जा सकता है। तो तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सब का त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को देखते हो, और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सती की राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है और संगम भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। क्या कहा? हाँ, तो कौन सा पुरुषोत्तम वर्ष हुआ, कौन सा पुरुषोत्तम मास हुआ, और पुरुषोत्तम दिन कौन सा हुआ? पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। तो ये अभी हुई है या नहीं हुई है या होनी है? पुरुषोत्तम वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कौन सा हुआ? 76। कै बजे से हुआ? रात के 12 बजे से। ये विदेशियों का होता है या स्वदेशियों का? 12 बजे। ये पुरुषोत्तम वर्ष जो हुआ वो विदेशियों का हुआ या स्वदेशियों का हुआ? विदेशियों का। तो तुमने कौन सा का वर्ष मनाई लिया? पुरुषोत्तम वर्ष है। बल्कि पलटी गए, पलटू राम हो पूरे। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इसे पुरुषोत्तम संगम युग में ही है। ये बहुत छोटा लिपि युग है। तुम लोग बायजोली खेलते हो। बायजोली माना कला मुंडी खाना, एकदम सर नीचे पाताल की तरफ और बाप की घर की तरफ लापे। फिर कभी सर
बुद्धि हो जाती है बाप की तरफ, घर की तरफ, और लात हो जाती है इस दुनिया की तरफ। तो ये है योग बल की बातें। जो योग बली होंगे, स्नेह जुटा हुआ होगा बाप के साथ, तो इन बातों को समझेंगे। नहीं जुटा हुआ होगा तो नहीं समझेंगे। पुरुषोत्तम बना है कोई? पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी हुई? कोई अभी नहीं हुई है। अभी कोई पुरुषोत्तम नहीं बना। अभी पुरुष अर्थात आत्मा में कोई उत्तम हमें नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इसी युग में समाई हुई है। हम तो पूछ रहे हैं। बाबा पूछने से थोड़े ही बताते हैं। बाबा तो अपने आप बता देते हैं। जब बताना होगा अपने आप बताएंगे। तो पुरुषोत्तम वर्ष कौन सा हुआ? पुरुषोत्तम मास कौन सा हुआ? पूरा मास, पूरे मास का गायन है। और पुरुषोत्तम दिन कौन सा हुआ? पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी कौन सी हुई? बताकर चलो सारा। अभी बता देंगे तो आगे चल के क्या बताएंगे? है फिर तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। तुम लोग बायजोली खेलते हो, बता तो रहे हैं। तुम लोग बायजोली खेलते हो। हैं ये योग बल की बातें जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। काहे से जाते हो? बायजोली खेलते हुए तुम स्वर्ग में जाते हो। कभी नीचे कभी कभी ऊपर। बायजोली में क्या करते हैं? कला मुंडी खाई तो सर नीचे पांव ऊपर, फिर कला मुंडी खाई तो नीचे पांव ऊपर सर। तो इससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बायजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। नीचे ऊपर होते हुए यात्रा पर जाते हैं साधु लोग भी, या कोई कोई बड़ी कठिनाई दिखाते हैं। उनको बड़ी कठिनाई दिखाते हैं कि हमें देखो परिक्रमा लगाने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब इसमें कठिनाई की तो बात ही नहीं है। किसमें? बाबा जो याद की यात्रा सिखाते हैं इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। क्यों है? नीचे ऊपर होने की बात नहीं है इसमें? फिर ऊपर नीचे क्यों अवस्था होती रहती है? हाँ, बाप क्यों भूल जाते हैं? माया क्यों बाप को भुलाई देती है? है बाप ने माया को क्या ऑर्डर किया हुआ है? है माया बेटी को क्या कहा हुआ है? हिला के देखो, बैठे मुफ्त में है। माया बेटी को ऑर्डर दिया हुआ है कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ, खूब नीचे ऊपर होने दो। तो अब इसमें कठिनाई की कोई बात नहीं। कठिनाई कब होती है? जब श्रीमत पर नहीं चलते तो कठिनाई हो जाती है। याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है। नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुन करके डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं, तो बाबा फिर हल्का कर देते हैं। अच्छा तुम योग में नहीं रह सकते हो तो क्या करो? बाप कहते हैं याद करना है। यह है बाप की याद। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है, बाप ने नहीं कहा कि तुम योग लगाओ बाप से। क्या करो? याद करो। तो याद कब आती है किसी की? किसी की याद कब आती है?
है? जब प्यार होता है तो याद आती है, प्यार नहीं होता तो याद आ नहीं सकती, फिर तो योग ही होगा। जोड़ो है जबरदस्ती हाथ पांव बांध के तो सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। सन्यासियों ने क्यों कह दिया? क्या गृहस्थी नहीं कहते योग? है हाँ, सन्यासी जो है घर घाट छोड़ने की उनको आदत पड़ी हुई है, इसलिए फिर उनको योग अच्छा लगता है। बाकी है क्या? याद की बात है। बात कहते याद करना है, याद तो सब चीज को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है मासूक भी है, बाप की भी याद आती है स्वतः और मासूक की भी स्वतः याद आती है। सब आशिक उनको याद करते हैं, एक है मासूक बाकी सब हो गए आशिकों से एक बाप के। एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं कि वो क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है, आत्माओं का बाप अशरीरी है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं। क्या था? कौन पुनर्जन्म में नहीं आते? आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप सिर्फ पुनर्जन्म में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म में आते हैं। अच्छा, ये तो और नई बात निकाल दी। जिसमें वो प्रवेश करता है वो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, 84 जन्म नहीं लेता। अच्छा, निश्चय रूपी जिंदा होना और अनिश्चय रूपी मृत्यु उसकी नहीं होती है, ये बात है। तो वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। बाप को क्या याद करते हैं? है? बाकी सब तो है विनाशी और एक बाप है अविनाशी स्टेज में, उसको कभी संशय और निश्चय का चक्र आ नहीं सकता। तो किसका पल्ला पकड़ना चाहिए? जो अविनाशी स्टेज में है, अगर उसका पल्ला पकड़ेंगे तो हमारी भी स्टेज कैसी बनेगी? अविनाशी बनेगी। और जो मरते और जिंदा होते रहते, घड़ी घड़ी मरना और घड़ी घड़ी जिंदा होना, उनका पल्ला पकड़ा तो क्या होगा? तो वो नीचे ऊपर बाय जो लिखी स्टेज हमारी भी बड़ी कठिनाई होती रहेगी, बड़ी कठिनाई दिखाएंगे कि हम जितनी कठिनता से जिंदगी गुजार रहे हैं, इतना और कठिनाई से कोई दुनिया में आत्मा जिंदगी गुजार नहीं सकती। दुनिया बाप को क्यों याद करती है? सिर्फ बाप को ही क्यों याद करती है? गॉडफादर को, क्योंकि गॉडफादर का ही एक ऐसा पार्ट है जो हाँ निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण रूपी चक्र से गुजरने वाला नहीं है, जरूर कभी सुख दिया है, इसलिए उनको याद करते हैं। उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। दुख हरने वाला और सुख सतयुग रूपी सुख स्वर्ग देने वाला तो कहा जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो स्वर्ग देने वाला नाम रूपधारी कौन है। नाम रूप देश और काल को भूल गए,
जितने मनुष्य उतनी बातें। किसके बारे में? उस दुखहर्ता सुखकर्ता के बारे में अनेक मतें हो गई है। सर्वव्यापी की मत भी गीता से निकाली है। क्या गीता में ये अर्थ निकाल लिया उन्होंने? विभू शब्द आया उसका अर्थ उन्होंने कर दिया सर्वव्यापी। हाँ, विभू माने सर्वव्यापी। वास्तव में गीता में तो कहा गया है कि मैं सारी सृष्टि का बीज हूँ, तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होगा या पत्तों पत्तों में सारा वृक्ष समाया हुआ होगा? बीज में समाया हुआ होगा। तो उस बीज को ही भूल गए तो एक व्यापी कैसे करें? तो एक व्यापी न करके उन्होंने सर्वव्यापी समझ लिया। परंतु बाप कहते हैं ये मेरी बनाई हुई गीता नहीं है, जिसमें से सर्वव्यापी का अर्थ निकाल लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में प्रवेश है। ये भक्ति मार्ग में बनाई है। बाप कितना प्रेम से बैठ पढ़ाते हैं, वो है ईश्वर शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है, एक ही गीता सुना करके पतित से पावन बनाए देते हैं। भक्ति मार्ग भी चाहिए ना इसको, है? किसको चाहिए प्रवृत्ति मार्ग? बाप को। गीता प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है ना, तो क्या अकेले ही बैठ करके गीता सुनाए देंगे सन्यासियों में? जल नहीं, अरे पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो साथ साथ प्रैक्टिकल भी तो दिखाता है। क्या ऐसे ही पढ़ाई पढ़ाए देगा? पढ़ाई पूरी हो जाएगी, प्रैक्टिकल में फेल तो थ्योरी भी सारी फेल मानी जाती है। तो ये एक ही गीता सुना करके पतित से पावन बनाए देते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है निवृत्ति मार्ग। क्या कहा? तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? तुम्हारी बुद्धि में निवृत्ति मार्ग है कि प्रवृत्ति मार्ग? प्रवृत्ति मार्ग है। छोड़ जाड़ की मती बजी हो है? क्यों ऐसा बोला? इसीलिए बोला कि अगर तुम्हारी बुद्धि में प्रवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्ति को कभी छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है। क्या कहाँ? कहाँ? बाहर की दुनिया में, कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में? और सारी ब्राह्मणों की दुनिया की बात छोड़ दो, बाप के घर में ही तो ऐसा नहीं हो रहा है कि पल्ला छोड़ा के भागते हैं? तुम्हारी बुद्धि में है निवृत्ति मार्ग, वो तो आते ही हैं देरी से हैं? हाँ, निवृत्ति मार्ग वाले वो देरी से आते हैं, पहले पहले इन बातों को नहीं समझते हैं। कब समझते हैं? बाद में। 2000 वर्ष 2500 वर्ष टाइम देते हैं। मैं तो देवी देवता धर्म को लंबा टाइम दे दिया है, इतनी बुद्धि नहीं चलती है। अगर इतना टाइम होता तो ढेर मनुष्य हो जाते। सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म को लाखों वर्ष दे दिया है, फिर तो मच्छरों सदस्य मनुष्य हो जाए। कल्प किया है लाखों वर्ष कह दिए, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। कितनी भूल की है, ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है फिर ये प्राय है लोप हो जाती है। चित्त तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपन को देवी देवता धर्म का समझते नहीं है।
जो जिनकी पूजा करते हैं वो उसी धर्म के हैं ना। क्या कहा, क्या किसकी करते हैं? भारत में देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो कौन से धर्म के हुए? देवी देवता धर्म के हुए। क्रिश्चियन किसको मानेंगे? क्राइस्ट को मानेंगे तो क्रिश्चियन धर्म के हुए, वो और किसी को नहीं मानेंगे, देवताओं को नहीं मानेंगे। मुसलमान किसको मानेंगे? मोहम्मद को मानेंगे, और किसी को नहीं मानेंगे, देवताओं आदि को। तो यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी ऐसे ही है, जो जिनकी पूजा करते हैं तो जिसकी पूजा करते हैं वो जिस धर्म का होगा उसी धर्म के उनकी पूजा करने वाले होंगे। मान लो कोई शिव की पूजा करते हैं, क्या? क्योंकि बाप के भक्त भी तो हैं, बाप के बच्चे भी बनते हैं, बाप अपने भक्त भी बनाते हैं। कौन से बाप? ऊपर वाले नीचे वाले? ऊपर वाला थोड़े ही अपने भक्त का भक्त बनाएगा, भक्ति तो बिंदी की होती ही नहीं। बिंदी की क्या होती है? बिंदी की तो याद होती है, और सिर्फ बिंदी की याद, वो भी नकामी, वो भी अधूरी। तो जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के हैं ना। किस धर्म के? जिसकी पूजा करते हैं। मान लो कोई कुमार का दादी की पूजा करते हैं, तो कुमार का दादी जिस धर्म की होंगी उस पूजा करने वाले कुमार का दादी के भी उसी धर्म के होंगे। ब्राह्मण पूजा करने वाले तो ब्रह्मा के धर्म के होंगे, ब्राह्मण होंगे, अब ब्राह्मण बन जाएंगे बस। ना, देवता धर्म के नहीं कहे जाएंगे। देवता बनाने के लिए तो बाप खुद आता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करता हूँ, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बैठ देवताओं की रचना करता हूँ, वर्षा देता हूँ देवताओं को। हाँ, पूजा करते वो देव वाले, जो जिसकी पूजा करते हैं वो देवता धर्म वाला है। जो जिसकी पूजा करते हैं वो उसी धर्म के हैं। मान लो कोई लेनिन स्टालिन की पूजा कर रहा है और किसी को नहीं मानता, तो लेनिन स्टालिन जिस धर्म का होगा उसी धर्म के उसकी पूजा करने वाले होंगे। लेकिन ब्रह्मा तो भाई बाप पढ़ाई पढ़ा, ब्रह्मा देवता धर्म का कहाँ है? ब्रह्मा ब्राह्मण है या देवता धर्म का है? ब्राह्मण बना के ब्रह्मा, ब्रह्मा कोई देवता कहा जाता है? दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा की पूजा होती है? ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्ति बनती है? बने भी है तभी पूजा नहीं है। पूजा कहाँ होती है वहाँ? नहीं, पूजनीय है। ब्राह्मण बनेगा तो ब्राह्मण तो देवता तो बनेगा ही बनेगा। जब बनेगा तब बनेगा, पढ़ाई पढ़ के फिर भी पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। बाप से ही तो पढ़ रहा है, फिर भी उसको उस आत्मा को पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। सूक्ष्म जो सूक्ष्म बंधन है वो भी काटना सीखना तो पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ के ही तो ये सूक्ष्म जो रगे फैली हुई है वो कैसे कटे? सारी बातें समझा दी, सब कुछ समझ लिया, जान लिया, बता दिया, फिर भी गुलजार दादी फिर भी वही पहुँचते? क्यों पहुँचते? क्योंकि अभी सूक्ष्म रगे, हाँ, माता का मोह अगर मिट जाए तो समझ लो उसका ज्ञान पूरा हो गया। तो जो जिनकी पूजा करते हैं वो उसी धर्म के हैं ना। ये समझ नहीं सकते कि हम आज सनातन देवी देवता धर्म के, उनकी ही वंशावली है। ये बाप ही समझाते हैं, बाप कहते हैं तुम जो पावन थे फिर पतित तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे है? कि ज्ञान गंगाओं में जाके गोता खाने लगो, उनकी दृष्टि में, उनकी वृत्ति में, उनकी वाचा में, और पवित्र बन जाओगे है? नहीं। अगर यहाँ पवित्र बने होते तो भक्ति मार्ग में भी गायन है,
क्या गायन चलता, लेकिन वो कौन सी गंगा पतित पावनी, जिनका कनेक्शन पूरा जुटा हुआ हो बाप से, या जिनका कनेक्शन हो गया हो। जय श्री राम। क्या पता लगे? पता क्यों नहीं लगेगा, कनेक्शन जुटा हुआ होगा तो चिट्ठी पत्री देखने में आएगी। कनेक्शन जुटा हुआ नहीं होगा तो बाप सबको थोड़ी चिट्ठियां लिखते हैं। जो बाप के डायरेक्शन पे चलने वाले बच्चे होंगे, सर्विसेबल होंगे, उनको चिट्ठियां लिखेंगे। जो बाप की डिसर्विस करें, नाम बदनाम करें, उनको थोड़ी चिट्ठी लिखेंगे। लिखते क्यों नहीं होंगे, लिखेंगे क्यों नहीं, सब थोड़ा ही है। जब थक जाते हैं, एक बार माफ, दो बार माफ, तीन बार माफ, तो क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पति तो पावन तो बाप है ना, वो जब आकर के रास्ता बताए। ऐसे नहीं आया और आके चला गया और फिर रास्ते पर हम चलते रहेंगे। रास्ता बताए, वो आकर के रास्ता बताए, तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ नहीं। आत्मा पुकारती है आर्गंस द्वारा के, हे पतित पावन बाबा, हमको आकर के पावन बनाओ। क्या कहा? ये कहां की बात है? त्रेसर जन्म होगी है, द्वापर कलयुग की बात है। संगम युग में ही ऐसी शूटिंग होती है, बायजोली होती है कि जब नीचे गिर जाते हैं, नाक रगड़ जाती है अच्छी तरह से, तब फिर बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा। हे बाबा किसके सामने कहा जाएगा? होगा ही नहीं उसको कहा जाएगा, सामने होगा तब तो कहा, दुनिया में होगा तब तो पुकारेंगे। हे पतित पावन बाबा, हमको आकर के पावन बनाओ। हम में इतनी भी शक्ति नहीं है जो हम छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास अब आ सके। हमने पेड़ को पकड़ लिया है, पेड़ ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने पेड़ को पकड़ लिया है। अब ये पेड़ हमको छोड़ता नहीं है। हाँ, अब हमको आगे छोड़ाओ। सब पति थे, बहुत जगह ये भी आया ना कि याद से ही पाऊंगा, तो याद से ही बनाओगे। याद माने क्या? प्यार, स्नेह। जहाँ याद है, स्नेह नहीं, प्यार नहीं, तो याद काएगी? फिर तो योग है, कप सीट के हाथ पांव बांध, किटकिटी बांध के बैठ जाओ। बिंदी को याद करो खींच के, ब्रह्मा के अंदर, मुर्दा के अंदर करो। जो मरी हो, खत्म हुई हो, जब दुनिया में ना है, बाकी पांच सत्संग को याद करो। क्योंकि चैतन्य में तो बाप आया हुआ नहीं, एक व्यापी तो है नहीं अभी है। हाँ, त्रिमूर्ति चित्र में तो है, जड़ चित्र में तो है, वो तो भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्रों में होता है, है? फिर यहाँ भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में अंतर क्या रहा? सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। पतित क्यों है? क्योंकि अनुभव भी होता रहता है कि हम काम चिता पर जल रहे हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर के सबको पावन बनाते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सचुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते। तुम ड्रामा को समझ गए हो,